महाराष्ट्र के अकोला की ओल्ड सिटी थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम मामूली विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक वीडियो में कथित तौर पर दो समूहों के सदस्यों को एक दूसरे पर पथराव करते, वाहनों को क्षतिग्रस्त करते और सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाया गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। कल अकोला शहर में दो कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। उसके बाद ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में तनाव रहा, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है, कुछ गाड़ियों के ऊपर भी पथराव हुआ जिसमें गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक जगह पे गाड़ियां टॉर्च भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहाँ पर इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, गुनाह दाखिल हो गए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दिया है। अकोला की कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने कहा कि पुलिस के मुताबिक हिंसक भीड़ ने कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद हुई हिंसक घटना के बाद पुराने शहर थाने पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विवाद से भड़के लोगों ने इलाके में जहां तहां गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। इसे देखते हुए पुलिस ने उन पर बल का प्रयोग किया। अकोला के पुलिस अधीक्षक संदीप गुगे ने कहा है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने भी कहा है कि जिलाधीश के आदेश पर अकोला सिटी में धारा 144 लगा दी गई है। अकोला में इस तरह की ये दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले भी अकोट फाइल इलाके के शंकर नगर मोहल्ले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया था।